वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आगे बढ़ते हुए आज भी पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं आपके लिए 16 से लेकर के 20 तक। पहला है इन फाइन और हाई फेदर। इसको फेदर पढ़ते हैं, आपको पहले से बता दिया है, इसके पहले भी ये आ चुका है वर्ड इन फाइन फेदर और इन हाई फेदर। फाइन की जगह पे हाई होगा या फाइन होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रसन्न। इन फाइन फेदर चाहे इन हाई फेदर, प्रसन्न। दूसरा होगा फैंसी प्राइस, मतलब मनमाना दाम। तीसरा फास्ट लिविंग चाहे फास्ट लाइफ, दोनों का एक ही हिंदी है, भोग विलास का जीवन। फिर फिश आउट ऑफ वाटर, प्रतिकूल अवस्था। एंड द लास्ट वन विल बी फेदर इन कैप, गौरव का काम। तो पहला जो है इन फाइन फेदर, इन फाइन फेदर की हिंदी है प्रसन्न। मतलब कोई कहता है कि कहता है कि आई एम इन फाइन फेदर, मतलब वह प्रसन्न है। हाँ, आप सिंपल यूज कर सकते हैं इसका सेंटेंस में, हमने भी ऐसे यूज किया है। रमेश इज इन फाइन फेदर ऑन हिज बर्थडे। रमेश अपने बर्थडे पर इन फाइन फेदर प्रसन्न इज है। रमेश अपने बर्थडे पे प्रसन्न है, हिंदी हो गई। इन फाइन फेदर की जगह पे आप आपकी मर्जी के अनुसार इन हाई फेदर भी लिख सकते हैं। एग्जाम में इन फाइन फेदर या इन हाई फेदर कुछ भी पूछेगा, इसलिए दोनों रेखा आपके सामने। तो इन फाइन फेदर आप ये भी देख रहे हैं, मैं बार बार एक को बोलता हूँ जो पीछे का भी आपने देखा है लेक्चर्स, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको यह याद हो जाए, मन में बैठ जाए कि ऐसा भी होता है, इसलिए बोलता हूँ जानबूझकर। हाँ, तो इन फाइन फेदर और इन हाई फेदर का मतलब प्रसन्न फिनिश होता है। नाउ फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस का मतलब मनमाना दाम। हाँ, मनमाना दाम मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को लेते हैं, बोलते हैं, हम तो ऐसे समझते हैं कुछ ही कि फैंसी प्राइस वाला देना, तो हम समझते हैं कि अच्छा मांग रहे हैं हम, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो मनमाना दाम। जैसे हम नॉर्मली जब क्लोथ्स खरीदते हैं ना, तो ऐसा होता है, क्लोथ्स का दाम है, हमें पता नहीं चलता है कितना दाम है उसका। एनीवेज, फैंसी प्राइस मनमाना दाम। वन हैज टू पे फैंसी प्राइस इन द ब्लैक मार्केटिंग। इन द ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। काला बाजारी तो आप समझते होंगे काला बाजारी क्या है। आप जब मूवी के टिकट, अभी तो ये खत्म हो गया, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जब टिकट नहीं मिलता है, कभी कभी अच्छी अच्छी मूवी जब लगती है सिनेमा हॉल में, तो उस वक्त टिकट नहीं मिलता है, लेकिन काला बाजारी में टिकट मिलता है। और काला बाजारी वाला क्या करता है, टिकट का दाम अगर 50 रुपीज का है तो 7500 अपना मनमाना दाम लेता है, फैंसी प्राइस लेता है। तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसे। वन हैज टू पे, किसी को पे करना होता है, फैंसी प्राइस मनमाना दाम इन द ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, चोरी की वस्तुएं चाहे वैसी वस्तु जिसमें टैक्स नहीं दिया जाता है, वो सब बेचा जाता है, गलत तरीके से बेचा जाता है, वो सब ब्लैक मार्केटिंग होता है। तो पहला इन फाइन फेदर हो गया, दूसरा फैंसी प्राइस भी हो गया, तीसरा फास्ट लिविंग और फास्ट लाइफ, दोनों का एक ही हिंदी है, फास्ट लिविंग बोलिए चाहे फास्ट लाइफ, ये शहरों में अधिक है, ये फास्ट लिविंग या फास्ट लाइफ हिंदी है, भोग विलास का जीवन, ऐशो आराम का जीवन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सही वर्ड है वो भोग विलास का जीवन। नो रिलीजन इनकरेज फास्ट लिविंग और फास्ट लाइफ, कोई भी धर्म इनकरेज मतलब बढ़ावा देता है, तो नो है तो कोई भी धर्म बढ़ावा नहीं देता है। फास्ट लिविंग, फास्ट लिविंग मतलब भोग विलास का जीवन, अच्छा है फास्ट लाइफ भोग विलास का जीवन। आपने देखा है कि सभी धर्मों में आप सुनते भी हैं कि सादा जीवन उच्च विचार करके ऐसा कुछ, तो सादा जीवन जीना चाहिए, ये सब सभी धर्म में संदेश देते हैं। तो उसी को लिखा है कि फास्ट लाइफ या फास्ट लिविंग जो है, यह सब भोग विलास का जीवन है, इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। नाउ फिश आउट ऑफ वाटर, आप जानते हैं कि फिश कहाँ रहती है, फिश मछली
जो है वाटर में रहती है, और वाटर से जैसे निकालते हैं आप देखते हैं कितना बेचैन सी हो जाती है। तो ये फिश आउट ऑफ वाटर की जो आप मतलब समझ रहे हैं वैसा ही हिंदी है, प्रतिकूल अवस्था। प्रतिकूल अवस्था, प्रतिकूल अवस्था मतलब पानी में जो रहने वाला है उसे बाहर निकाल दिया गया, तो प्रतिकूल अवस्था हो गई। वैसे ही नाउ, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज की दो हिंदी, अब चाहे इन दिनों, कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, विद्यार्थी महसूस करते हैं फिश ऑफ वाटर के समान, प्रतिकूल अवस्था के समान, प्रतिकूल अवस्था महसूस करते हैं। कब? विदाउट अ सेलफोन, एक सेलफोन के बिना। विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को अगर सेलफोन उनको अगर है उनसे अगर ले लिया तो वैसे ही छटपटाते हैं जैसे कि मछली जल से बाहर निकलती है और छटपटाती है वैसे ही। तो नाउ स्टूडेंट्स फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट अ सेलफोन। फिर है फेदर इन कैप। फेदर इन कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है। फेदर इन कैप की हिंदी होती है गौरव का काम। फेदर इन कैप, गौरव का काम। जैसे आप जानते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है 2022 में, और आप जानते हैं इस काम को हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसके चेयरमैन डॉक्टर के सीवन हैं, तो इसरो करता है। तो चंद्रयान 3 के लिए आया है कि 2022 में लॉन्च होगा। अभी आप जानते हैं मंगलयान वगैरह सब लॉन्च हो चुका है कब का, तो इंडिया कितना नाम बढ़ा है। ऐसे ही गौरव का काम, मंगलयान हमने लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली, तो गौरव का काम हुआ था देश के लिए। वैसे ही चंद्रयान 3 विल बी अ फेदर इन इंडियाज कैप, विल बी अ फेदर इन इंडियाज कैप, मतलब भारत के लिए गौरव का काम होगा चंद्रयान 3 जो होगा। तो आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेदर इन इंडियाज, यहाँ बीच में मैं इंडियाज ला दिया हूँ, जबकि मैंने बताया है बार बार कि जो इडियम्स फ्रेजेज होते हैं उसमें आप बदलाव करने का आपको अनुमति नहीं होती है। हाँ, तो हम बदलाव भी नहीं कर रहे हैं, फेदर इन कैप तो लिखा ही हमने, हम बीच में तो कुछ जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, तो इसीलिए इंडियाज को कर दिया है हमने। तो इस तरह से आज के 5, इन फाइन फेदर और इन हाई फेदर प्रसन्न, फैंसी प्राइस मनमाना दाम, फास्ट लिविंग और फास्ट लाइफ भोग विलास का जीवन, फिश आउट ऑफ वाटर प्रतिकूल अवस्था, फेदर इन कैप गौरव का काम, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।